गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं स्टैंडर्ड 6 का संस्कृत आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 3 करोमी। इसके पहले मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, दक्षिण आदमन, बराबर। इसका मैंने आपको ये सब चैप्टर समझाया, आपने होमवर्क भी किया होगा, राइट बच्चों। अब मैं आगे आपको चैप्टर 3 समझाती हूँ। करोमी, करोमी यानी करता हूँ, बराबर ना। संस्कृत में क्या कहते हैं, करोमी यानी कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी काम तुम करते हो, यानी करोमी। मम नाम किशोर, क्या है मम नाम किशोर, यानी मेरा नाम किशोर है। अहम पाठशाला गच्छामी, क्या कहता है, अहम पाठशाला गच्छामी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तत्र अहम अभ्यास करोमी, तत्र यानि वहाँ पे, मैं अभ्यास यानि पढ़ता हूँ, वहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। अब आगे, मम नाम खुशबू, मेरा नाम खुशबू है। अहम पुस्तकालय गच्छामि, मैं पुस्तकालय जाती हूँ। तत्र अहम पुस्तकम पठामि, वहाँ पर मैं पुस्तक पढ़ती हूँ या किताब पढ़ती हूँ। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, तत्र अहम पुस्तकम पठामि, यानी मैं वहाँ पुस्तक पढ़ती हूँ। मम नाम राजेश, मेरा नाम राजेश है। अहम क्रीडाणां गच्छामि, क्रीडाणां यानी मैं मैदान में जा रहा हूँ। तत्र अहम क्रीडामि, वहाँ पर मैं खेलता हूँ, है ना। मम नाम महर्षि, मेरा नाम क्या है महर्षि। अहम मातुलंगो गच्छामि, मैं मातुलंगो यानी मम्मी के पापा या कोई भी बड़े, मैं अपने नाना नानी या दादा दादी के पैर छूता हूँ या माता पिता के, बराबर। तत्र अहम माता महो नमामि, मैं अपने माता के पिता नाना जी के प्रणाम करता हूँ। मम नाम रमा, मेरा नाम रमा है। अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि, अहम प्रार्थना मंदिरम गच्छामि, मैं प्रार्थना करती हूँ। तत्र अहम प्रार्थना गीतम गायती, मैं मंदिर में जाती हूँ, हाथ जोड़कर बैठती हूँ या स्कूल में जाती हूँ तो वहाँ भी हाथ जोड़कर बैठते और वहाँ हम प्रार्थना गाते हैं, है ना। प्रार्थना गाते हैं अपने, जब सुबह में प्रेयर होती है तो अपने प्रेयर बोलते हैं, इसी तरह ये भी तत्र अहम प्रार्थना गीतम गायामि, मैं वहाँ प्रार्थना गाती हूँ। मम नाम प्रवीण, मम नाम प्रवीण, मेरा नाम प्रवीण है। अहम जलाशयम गच्छामि, मैं जलाशय यानी तालाब में जाता हूँ। तत्र अहम तरामि, वहाँ मैं तैरता हूँ, मुझे तैरना बहुत पसंद है, मैं वहाँ तैरने जाता हूँ। तो क्या कहते हैं, अहम जलाशय गच्छामि, गच्छामि में जाता है। तत्र अहम तरामि, वहाँ मैं पानी में तैरता हूँ। मम नाम पूनम, मम नाम पूनम,
क्या है? मेरा नाम पूनम है। अहम भोजनालयम गच्छामि। क्या करती हूँ? अहम भोजनालयम गच्छामि। वो खाने के लिए किचन में जा रही है। भोजनालय यानी जहाँ खाना बनता है वह भोजनालय में वो जाती है। तत्र अहम खादामि, वहाँ पर मैं खाना खाती हूँ। तत्र यानि वहाँ पर, अहम यानि खुद और खादामि यानि खाती, वहाँ पर मैं खाना खाती हूँ। मम नाम कौशल, मम नाम कौशल, मेरा नाम कौशल है। अहम मित्रम स्मरामि, मित्रम को वहाँ, मैं मित्र को याद करता हूँ। अहम पत्र लिखामि, मुझे मित्र की याद आती है तो मैं उसको पत्र लिख रहा हूँ। क्या कहता है कि अहम मित्र स्मरामि, स्मरामि यानी मुझे याद आती है। अहम पत्र लिखामि, मैं उसको पत्र लिख रहा हूँ। मम नाम पूजा, मेरा नाम क्या है? पूजा है। अहम चित्रशाला गच्छामि, मैं चित्रशाला में जा रही हूँ। तत्र अहम चित्रम पश्यामि, तत्र माने वहाँ पर, अहम याने मैं, चित्र यानि ड्राइंग, पश्यामि याने देखना, वहाँ पर मैं सारे चित्र देख रही हूँ। मम नाम रूपल, मेरा नाम रूपल है। अहम नृत्यशाला गच्छामि, मैं नृत्यशाला या डांस क्लासेस में जाती हूँ। तत्र अहम नृत्यामि, वहाँ पर मैं नृत्य या डांस सीखती हूँ। तो यहाँ संस्कृत में कौन क्या एक्टिविटीज़ करता है उसके बारे में संस्कृत में आपको पढ़ाया था मैंने, आपको संस्कृत में और हिंदी में आपको समझाया। अब आपको ग्रोसरी यानी टिप्पणी आपको मैं समझा रही हूँ। अहम यानि मैं, गच्छामि यानि जाना, करोमि यानि अपने जो भी करते करना, पठामि यानि पढ़ना, क्रीडामि खेलना, क्रीडाणम यानि खेल का मैदान, नमामि यानि नमन करना, झुकना, गायामि यानि गीत गाना या कोई भी पोयम गाना, प्रार्थना गाना, गायामि, तरामि यानि तैरना, तरामि यानि तैरना, खादामि यानि खाना, लिखामि लिखना, स्मरामि यानि याद करना, मुझे इसकी याद आती है, संस्कृत में क्या कहते हैं? स्मरामि, पश्यामि यानि देखना, मातुल गृहम मामा के घर, मम्मी के भाई, नाना नानी ऐसे, मातुल गृह यानि मामा का घर, मातामह मम्मी के पिता यानि नाना, मैंने आपको बताया ना कि मैं नाना के पैर छूता हूँ। मातुम गृह यानि माता के घर गया हूँ, वहाँ पर नाना है और मैं नाना के पैर छूता हूँ, बराबर। तो ये आपको ग्रोसरी टिप्पणी मैंने आपको समझाई। आपको यह चैप्टर पढ़ना भी है और आपकी वर्कबुक में इसको लिखना है। तो आपको ये पूरा चैप्टर क्वेश्चन आंसर के साथ जो भी है स्वाध्याय का है जो भी, वो आपको आपकी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट करना है, बराबर। तो अहम यानि गच्छामि, अहम लिखामि, अहम पढ़ामि, अहम खादामि,
अहम क्रीड़ामी, अहम तरामी, अहम नूतन नृत्यम करामी, ये सब आपको आपकी नोटबुक में लिखकर कंप्लीट रखना है। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।